हेलो एवरीवन, मैं हूं शेफ धीरज। मैं गुड़गांव में हूं और हम लोग ट्रेनिंग कंडक्ट कर रहे हैं पर सर्विस अपार्टमेंट के साथ कोलैप्स करके। यहां पे हमारे चार दिन का जो ट्रेनिंग सेशंस होने वाले हैं जिसमें हम उनके स्टाफ को ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करने वाले हैं। एक पूरी सीरीज इस ट्रेनिंग्स की आने वाली है जो कि आपको आगे देखने को मिलेगी। अगर आप भी कोई फूड बिजनेस चला रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपके स्टाफ के लिए भी हम लोग ट्रेनिंग कंडक्ट करें तो आप लोग हमको अप्रोच कर सकते हैं। बाकी आप इन वीडियोज़ के सहारे से भी अपने जो एम्प्लॉयज़ को और ज़्यादा ट्रेन कर सकते हैं। अभी जो हम लोग अभी अपनी दूसरी ट्रेनिंग ले रहे हैं वो है हमारी मंथली क्लोजिंग इन्वेंट्री। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे मंथली क्लोजिंग इन्वेंट्री। ठीक है जी, ये हमारा नेक्स्ट है। अब सबसे पहले जैसे अभी हम लोग किचन्स में है, ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे कितने प्रकार की चीजें आ रही है। हमारे पास एक हमारे फ्रूट्स आ रहे होंगे आप लोगों के पास, ठीक है, फिर आप लोगों के पास आपके जो वेजिटेबल्स आ रही होंगी, ठीक है, इसके साथ साथ आप लोगों के पास इंग्लिश वेजिटेबल्स वगैरह आती हैं यहाँ पे, जुकनी, लेट्यूज वगैरह, ये सब चीज़ें, स्प्राउट्स वगैरह, है ना। ठीक है जी, ठीक है, इसके बाद आपके पास कोल्ड कट्स वगैरह हो गए, आपके कोल्ड कट हो गया, चीज़ हो गया, फिर आपके नॉन वेज में मटन हो गया, चिकन हो गया, सी फूड वगैरह, डेयरी, ठीक है, फिर हमारी ग्रॉसरीज हो गया, मतलब परचून का पूरा सामान हमारा हो गया। ठीक है जी, परचून का सामान हो गया, फिर हमारे फ्रोजन वाले आइटम हो गए हमारे, ठीक है, फिर हमारे इम्पोर्टेंट आइटम हमारे हो जाते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें होगी। अब हमको करना क्या है, ये मतलब जो हमको सिस्टम यहाँ पे लगाने वो है हमारी मंथली क्लोजिंग का। ठीक है, ये मैं आप लोगों को ये परफॉर्मा देके जा रहा हूँ, ठीक है ना। इसके अंदर आपके मैक्सिमम आपको सारे आइटम मिल जाएंगे, मैक्सिमम बोले सारे आइटम मिल जाएंगे, ठीक है ना। ठीक है, जो मैंने आपको बोला रेगुलर फूड्स हो गया, सीजनल हो गया, सब कुछ है इसके अंदर। अब हमको करना क्या है, मंथ के एंड में हमको ये पता होना चाहिए कि भैया मेरे पास कितना सामान बचा पड़ा है, उसके बेसिस पे हमको ये पता चल पाएगा कि भैया मेरे पास कितना सामान के तौर पे पैसा बचा पड़ा है ना। अब जैसे मैं बोलता हूँ कि 31 तारीख आ गई, तो 31 तारीख को आपके पास जितना भी फ्रूट्स है, जितने भी वेजिटेबल्स है, जितने भी ग्रॉसरी का आइटम है, ठीक है, जो भी क्लीनिंग मटेरियल है, डेयरी का मेरा आइटम है, ठीक है, डेयरी वगैरह तो उतना ज़्यादा नहीं रहेगा, मेनली जो ग्रॉसरी वाला आइटम रहेगा ना हमारा वही सबसे ज़्यादा रहता है, ठीक है, तो उन सबको आपको इसके अंदर लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास है रेट है, ठीक है जी, क्वांटिटी है, मंथ है और टोटल है, ठीक है। अब आपको मैं बोलता हूँ कि भैया मेरे पास जैसे चावल का मैं बोलता हूँ कि भैया एक पूरी गोनी गोनी है जो कि 50 किलो की, ठीक है ना, तो आपको लिख दीजिए 50 किलो आएगी, ठीक है, जो भी रेट आप लोगों का लग रखा होगा यहाँ पे, मैं बोलता हूँ 100 रुपये, तो 50 × 100 हो जाएगा कितना, हो गया 500 रुपये हो गया, ठीक है, पैसे 500 नहीं होगा, 5000 होगा, ठीक है, तो उतनी क्वांटिटी हमारी वो हो जाएगी। दो चीज़ें इसमें आपको ध्यान रखनी है, पहला है आपके जो एक तो जो पूरा सामान बंधा पड़ा है या स्टोर्स के अंदर आपके, एक तो वो होगा, दूसरा सामान होगा जो कि आपके किचन्स के अंदर है। किचन के अंदर जैसे मैं बोलता हूँ कि भैया नमक का पैकेट खुला पड़ा है, चीनी के डब्बे के अंदर 5 किलो चीनी है, हो सकता है कि आप कल ही चीनी निकाल के लेके आए थे, ठीक है, तो दो चीज़ें, तो वो सामान और ये सामान, वो दोनों को कैलकुलेट करके आपको लोगों को लिखना है फिर इसमें। ये नहीं कि सिर्फ जो स्टोर्स में पड़ा हुआ है आपने वो लिख दिया और जो दूसरा सामान है वो आपने नहीं लिखा, तो दोनों को आपको उसको क्लोजिंग, ठीक है, तो ये क्लोजिंग इन्वेंट्री हम लोग बोलते हैं। तो हर मंथ के एंड में आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि भैया मेरे पास कितना सामान है, इसको आपको अपने जो मैनेजर्स हो गए या ऑनर्स हो गए उनको देना है कि भैया मेरे पास किचन में ये सामान मेरा बचा पड़ा है ना। तो इससे एक तरीके से बजटिंग हो जाती है, एक तरीके से आइडिया मिल जाता है कि भैया अगले महीने मुझे कितना सामान और मंगाना पड़ता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग स्टार्टिंग में तो नहीं मंगाते बट मंथ के एंड में हम लोग इतना सामान मंगा देते हैं कि वो उस मंथ की कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है ना। हमको लगता है कि भैया कि जैसे मान लीजिए 28 तारीख होगी या 29 तारीख होगी, हमने इतना सामान मंगा लिया कि जो अब तक जो हमारी कॉस्टिंग हो सकता था कि 30 चल रही है वो 50 हो जाएगी सीधा, क्योंकि वो इस मंथ के एंड में आ गई। बट मतलब इस तरीके की रहती है ना चीज़ें, तो वो ना करके हमको उतना ही मंगाना है भैया जैसे उतना महीने के चाहिए, ठीक है, फिर अगले महीने फिर 1 तारीख को दोबारा लिख देना, तो उससे क्या होगा, जो सप्लायर के पास जो पैसा जाएगा वो सिर्फ उतना ही जाएगा, दो बार जाना तो पैसा ही बट वो उतना ही हमारा फिर जाने वाला फिर, ठीक है। तो इसका भी ये भी मैं आप लोगों को दे दूंगा, ठीक है ना, इसको भी आप लोगों को इसका भी पूरा एक प्रॉपर इसका प्रिंटआउट निकालें, हर एक अपनी साइट पे अपना एक एक रख लेना, ठीक है ना। इन सब की सॉफ्ट कॉपी मेरे पास पड़ी हुई है, ग्रुप में मैं भी हूँ, जब भी आप लोगों को लगता है कि कुछ मिस हो गया तो आप लोग क्या कहते हैं हम लोगों को बता देना, मैं आप लोगों को वो शेयर कर दूंगा दोबारा से,
ठीक है। तो ये था हमारे क्या मंथली क्लोजिंग इन्वेंट्री का। अब मंथली क्लोजिंग इन्वेंट्री के फायदे बताना, आप लोग ही बताइए चलिए क्या होगा इसको। अगर मैं बोलता हूँ कि मंथ में अगर हम लोग कुछ इन्वेंट्री हम लोग कर रहे हैं तो उसका क्या फायदे हैं, क्लास आप ही बताओ, आप ही नजर आ रहे हो सामने। मंथली में जो इन्वेंट्री को जो करेंगे उससे क्या है कि हमें हमारी कॉस्ट अच्छी आएगी। जैसे हम बिना इन्वेंट्री के सामान मंगा देंगे तो हमारा जो कॉस्ट है वो नीचे ऊपर हो सकता है। ठीक है ठीक है, एटलीस्ट हम लोगों को एक आइडिया हम लोगों को पता चलने लग जाता है कि भाई हम लोग कहाँ पे है ना। क्योंकि जो भी अभी मैं भी काम कर रहा हूँ आप भी काम कर रहे हैं, सब पैसे के लिए ही कर रहे हैं ना। ठीक है, जब हमको यही नहीं पता चलेगा कि पैसा कितना लगेगा, कहाँ लगेगा, कैसे लगेगा, तो हम लोग उस चीज़ को जज नहीं कर पाएंगे। दूसरा इसमें यह भी होता है, जैसे मैं बोलता हूँ कि कुछ आइटम बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, कुछ आइटम बहुत ज़्यादा सस्ते होते हैं बट ज़्यादा क्वांटिटी में आते हैं। महंगे आइटम जैसे मैं बोलता हूँ सैफरन हो गया, मैं बोलता हूँ मेरा घी हो गया, ठीक है, मेरे दूध हो गया, दूध तो नहीं बोलेंगे, चलो पनीर हम लोग लगा सकते हैं, ठीक है, या मैं बोलता हूँ कि हमारे चीज़ हमारे हो गए जो कि बहुत ज़्यादा महंगे आइटम हैं, तो हमको ये भी पता चलेगा भाई उस महीने में मैंने कितना यूज़ करा है, ठीक है, और महीने में एंड में मेरा कितना मेरा बचा पड़ा है। तो उसके हिसाब से हम लोग नेक्स्ट मंथ थोड़े से अवेयर रहेंगे, सतर्क रहेंगे कि भैया मेरे को कितना ऑर्डर करना है, ठीक है। दूसरा मैंने बोला लार्ज क्वांटिटी, जैसे मैं बोलता हूँ कि आलू हो गया, ठीक है, टमाटर हो गया, प्याज हो गया, सबसे ज़्यादा यूज़ होता है हमारा, ठीक है। तो इन चीज़ों का भी हम लोगों को आइडिया यहाँ पे मिलेगा। अभी जैसे मान लीजिए अगर मैं बोलता हूँ कि मेरी फूड कॉस्टिंग मेरी ज़्यादा जा रही है, ठीक है, यही इसको इसमें भी इंक्लूड कर देंगे, मेरी अगर फूड कॉस्टिंग ज़्यादा जा रही है तो मुझे क्या करना चाहिए। आप लोग है कोई आप लोग ऐसा कुछ कुछ करते हो ऐसा कुछ अगर कॉस्टिंग के बेसिस पे कि हम अगर हमारी कॉस्टिंग ज़्यादा जा रही कम जा रही कुछ कुछ ऐसे एक्शंस वगैरह करते हो आप लोग। जैसे कद्दू पीला कद्दू आया था वो मिक्स करके काम होता है ना, तो मिक्स करके बनाते हैं ग्रेवी। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अभी ये आपने एक तरीके से ये वो आपका इंटरनल पार्ट होता है, बट इसमें अगर एक्चुअली में अगर हम ऑपरेशन वाइज देखें ना ये सीन नहीं होता है। इसमें करना क्या आपको, अगर आपकी कॉस्टिंग ज़्यादा बढ़ी है आपको पाँच आइटम लेने जो सबसे ज़्यादा महंगे हैं, ठीक है, पांच आइटम है ना, पांच आइटम जो एक्सपेंसिव है, पांच आइटम्स क्योंकि एक्सपेंसिव है, ठीक है ना, पांच आइटम आपको लेने जिन जो कि क्वांटिटी में हम लोग ऑर्डर करते हैं। अब एक्सपेंसिव में जैसे मैंने बोल दिया कि हमारा घी हो गया, मटन हो गया, ठीक है, तो उस पर आपको नज़र रखनी है। और ज़्यादा क्वांटिटी जैसे मतलब आटा हो गया, ठीक है, या फिर मेरे आलू हो गए, उस पर आपको नज़र रखनी है। नज़र दो तरीके से रखनी है, उनके रेट्स के ऊपर, ठीक है, ये रेट्स के ऊपर कहाँ से सस्ते रेट्स मिलेंगे, ठीक है, दूसरा अगर उनकी वेस्टेज हो रही है तो कैसे उसकी हम लोग बचत करेंगे। ये दो चीज़ रेट्स और वेस्टेज, ये दो चीज़ को आपको उसको कंट्रोल करने की कोशिश करनी है, तो आपकी कॉस्टिंग ऑलरेडी डाउन हो जाएगी। जैसे मैं बोलता हूँ कि मेरे 500 किलो आलू लग रहे हैं, तो आपको एक सप्लाई ढूंढना है जो कि अगर आपके आलू 50 रुपये किलो आ रहे हैं तो आपको ऐसा सप्लाई ढूंढ लेना है कि भाई जो कि आपको 40 रुपये में आपको आलू दे दें, ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा क्वांटिटी में और मिल भी जाएगा, ठीक है, स्टार्टिंग में तो नहीं बाकी मिल जाता है। फिर जो एक्सपेंसिव आइटम है, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ मटन हो गया, मेरा चिकन हो गया, या मैं सी फूड लेके आ रहा हूँ, तो उनकी रेट्स आपको कहाँ का मिल जाए और वो उनकी वेस्टेजेस ना हो। क्योंकि अगर मैं बोलता हूँ जैसे मटन का मेरा कोई आइटम है, आपने मटन मैं बोलता हूँ एक पोर्शन मेरा ख़राब हो गया या ओवर कुक हो गया, अंडर कुक हो गया, या किसी ने कंप्लेन कर दी, तो वो एक पोर्शन ही बहुत महंगा पड़ जाता है ना। तो इनके आपको अल्टरनेटिव सप्लाई ढूंढने और उनकी वेस्टेज हमको कम करनी है, ठीक है। तो हमारे जो ये वाला टॉपिक था हमारे मंथली इन्वेंट्री का, ये आपको फिल करना है, और ये थोड़ी जो चीज़ें मैंने बताई इनका आपको यहाँ पे ध्यान रखना है।